मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटोक्लेव कंक्रीट के बारे में। ऑटोक्लेव कंक्रीट बहुत ही फायदेमंद है। इसके दो तरह के टाइप होते हैं, ये टाइप वन है और ये टाइप टू है। टाइप वन की डायमेंशन होती है 625 × 240 × 100 mm, और ये टाइप टू है जो 50 mm विड्थ में थोड़ा बड़ा है, बाकी डायमेंशन सेम है 625 × 240 × 150 mm। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एक तो इसकी कॉस्ट इसकी लगभग पर ब्लॉक पड़ेगी 45 से लेके 55 रुपीज़, और लेबर भी इसमें कम लगती है क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अ ब्रिक विड्थ में भी और हाइट में भी और लेंथ में भी बहुत बड़ा होता है। और ये साउंड और इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है, इसी वजह से देखिए आप देख सकते हैं हमने इस बीच में स्पेस दी है, और स्पेस के बीच में हम ये कॉटन या रुई टाइप भरेंगे जिसकी वजह से इंसुलेशन, हीट, साउंड सब कुछ अंदर आने से बच सके। एक इसमें हम ये स्टील रॉड्स भी देते हैं, इसका रीज़न यही है ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ सके बिटवीन टू वॉल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ सब जगह दे रखी है। अब मैं आपको इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने एक ब्रिक का ब्लॉक लिया है और एक ये ऑटोक्लेव कंक्रीट का ब्लॉक लिया है। जब हम इस ईंट के ब्लॉक को इस पानी में डालेंगे तो ये डूब जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर डूब गया। और लेकिन जब हम ये ऑटोक्लेव कंक्रीट का लेंगे तो ये पानी में फ्लोट करता है, ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। जैसे कि मैं आपको एक बड़ा वाला ब्लॉक डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए ये पानी में फ्लोट करता है, ये देखिए ये पानी में फ्लोट करता है। एक और रीज़न है इसको यूज़ करने का कि इसके अंदर जो पानी आप दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये पूरा गीला हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अंदर से सूखा है बाहर से गीला है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए सेम है। जबकि ईंट अंदर तक ईंट पूरी गीली हो जाती है।